Good morning, student. How are you today? I hope you all are fine. Today, I am here to teach you Green World of Class 3. First of all, we will study Unit 1, My Body and Me, Chapter Number 2, Keeping Healthy. Chapter Number 2, Keeping Healthy. हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 कीपिंग हेल्दी। हम क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नंबर 2 कीपिंग हेल्दी। कीपिंग हेल्दी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक योर पेंसिल और हाइलाइटर इन योर हैंड एंड आई विल टेल यू विच सेंटेंस इज हाइलाइटेड। यू टेक योर पेंसिल एंड राइट CW डे, विच डेट टुडे 28/7/20 and which day is today? Tuesday. Okay. Put pencil on sentence. Chapter number 2, Keeping Healthy. Chapter number 2, Keeping Healthy. Health is the state of being well and free from diseases. Health का मतलब होता है, तंदुरुस्ती का मतलब होता है। Health is the state of being well and free from diseases. Health का मतलब होता है ऐसा आरोग्य जो हमें बीमारियों से दूर रखे, तंदुरुस्त रखे, जो हमें बीमारियों से दूर रखे और तंदुरुस्त रखे, हमेशा स्वस्थ रखे, उसे क्या कहा जाता है? Health. A healthy mind live in healthy body. ऐसे कहा जाता है कि स्वस्थ दिमाग ही, मतलब स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ दिमाग का घर होता है, या स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रह सकता है, मतलब स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का होना होता है। क्योंकि अगर हमारा शरीर बीमारियों से घिरा हुआ रहे, हमें बुखार आए बार बार, या हमें बार बार सर्दी खांसी हो, या हमें बार बार कोई तकलीफें हो, तो हमारा दिमाग अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्या कहावत कही गई है, फ्रेज है कि अ हेल्दी माइंड लिव इन अ हेल्दी बॉडी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग होता है। क्लीनिनेस ऑफ अवर बॉडी, गेम, एक्सरसाइज एंड हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हेल्प टू कीप अवर बॉडी फिट एंड एक्टिव। अगर हम साफ सुथरा शरीर रखें, हमेशा मैदानी खेल खेले, मतलब हम आउटडोर गेम्स खेले, अच्छी एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें और अच्छी खाने की आदतें अगर हम में हो, तो इसके वजह से या इसकी मदद से हम हमेशा फिट और एक्टिव, मतलब हमेशा तंदुरुस्त और हमेशा क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, हमेशा कार्यरत रहेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहेंगे, हमें बैठना अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, सेंटेंस को हाईलाइट कर लेंगे। ओके, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ बीइंग वेल एंड फ्री फ्रॉम डिसीजेस। हेल्थ क्या है? एक ऐसी चीज है जो हमें बीमारियों से दूर रखती है। ओके, देन क्लीनिनेस एंड हाइजीन। क्लीनिनेस मतलब साफ सुथरा कैसा होना चाहिए, या हमें हमेशा किस तरीके से साफ सफाई अपनी रखनी चाहिए और किस तरीके से हम साफ सुथरे रह सकते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ जर्म्स ऑल अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द लाखों करोड़ों ऐसे जर्म्स हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, हमारे हाथ पर, हमारे पैर पर, हम जो सांस लेते हैं उस हवा के अंदर, डस्ट के अंदर, मिट्टी के अंदर, जो कपड़े हम पहनते हैं उन कपड़ों के ऊपर लाखों करोड़ों जर्म्स हमारे आसपास होते हैं। जर्म्स आर टाइनी लिविंग थिंग्स। जर्म्स क्या है? एक छोटे छोटे लिविंग थिंग्स है जो हम कभी आंखों से नहीं देख सकते हैं। वी कैन नॉट सी देम विथ अवर नेकेड आईज। हम कभी भी अपनी खुली आंखों से उसे नहीं देख सकते। खुली आंखों से मतलब न बंद आंखों से, न खुली आंखों से, हम उसे देख नहीं सकते। हम सिर्फ उसको माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके ही देख सकते हैं। ओके, तो हम पहले हाईलाइट करेंगे जर्म्स आर टाइनी लिविंग थिंग्स। ये क्या है? छोटे छोटे जीवाणु है जो हमारे शरीर के आसपास होते हैं, जिन्हें हम खुली आंखों से देख नहीं पाते। दे आर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। वो हमारे आसपास सभी तरह है, कपड़ों के ऊपर, हाथ के ऊपर, पैर के ऊपर, बालों के ऊपर, आंखों में या नाक के अंदर, या फिर हमारे
जो डेस्क है, बेंच है, हमारे घर की चद्दरें हैं, सोफा सेट है, सोफे के कवर है, पिलोज है, सारी तरफ हमें क्या दिखते हैं, ये जर्म्स दिखाई देते हैं। दे आर इन द एयर एंड वाटर, वो हवा और पानी के अंदर भी होते हैं, वो हवा और पानी के अंदर भी होते हैं। हाईलाइट कीजिए, दे आर इन एयर एंड वॉटर, दे आर इन एयर एंड वॉटर, ओके। दे आर अंडर द ग्राउंड एंड ऑन द ग्राउंड, वो अंडरग्राउंड मतलब मिट्टी के अंदर भी हो सकते हैं और मिट्टी के ऊपर भी होते हैं, मतलब वो मिट्टी के अंदर भी छोटे छोटे। आपने कभी देखा है, आपने जब मिट्टी खोदे हो पेड़ लगाने के लिए, तो उसके अंदर से छोटे छोटे कीड़े बाहर आते हैं, मतलब जर्म्स जो है, छोटे छोटे कीड़े जो है, वो ग्राउंड के अंदर भी होते हैं और ग्राउंड के ऊपर भी होते हैं। दे आर इवन प्रेजेंट इन अवर बॉडी, वो हमारे शरीर के ऊपर भी होते हैं, हमारे शरीर के ऊपर भी होते हैं, इसलिए हमें बार बार हाथ मुंह धुलना चाहिए, कपड़े चेंज करना चाहिए, अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहिए। सम जर्म्स आर हार्मफुल टू अवर हेल्थ, कुछ जो जर्म्स होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए घातक होते हैं, बहुत ही खराब होते हैं। दे मेक अस इल, और उससे हम बीमार होते हैं। हम बोलते हैं ना, किसी के छींकने की वजह से हमारे ऊपर जर्म्स आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? जब हम छींकते हैं तो एयर पास होती है, हवा वहां से चलती है, और हवा उस कीटाणुओं को दूसरे हेल्दी पर्सन के बॉडी के ऊपर जाकर स्टिक हो जाते हैं, है ना। हमें पसीना आता है या हमारे कपड़ों के ऊपर स्टिक हो जाते हैं, और वो जर्म्स हमारे बॉडी पे चढ़े जाते हैं, और बॉडी पे चढ़ने की वजह से हम बीमार हो जाते हैं। सो टू कीप द जर्म्स अवे, और इसलिए हमें जर्म्स को अपने आप से दूर रखना चाहिए। किस तरीके से दूर रखेंगे हम अपने आप को जर्म्स से? वी मस्ट कीप अवर बॉडी क्लीन, हम हमेशा अपने शरीर को साफ रखकर, स्वच्छ रखकर जर्म्स को अपने बॉडी से दूर रख सकते हैं। वी शुड टेक अ बाथ एवरी डे, हमें हर दिन नहाना चाहिए, सुबह और हो सके तो शाम को भी। शाम को कब नहाना चाहिए? जब समर होता है ना, गर्मी में हमें बहुत सारा पसीना आता है, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम समर में दो टाइम नहाते हैं। हाँ, पर ठंडी में हमें दो बार नहाना नहीं चाहिए, तो हमें सर्दी खांसी होकर हम ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, है ना। तो मौसम देख के हमें दो टाइम नहाना चाहिए, ओके। वी शुड वेयर क्लीन क्लोथ, हमेशा नहाने के बाद साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनना चाहिए, ना कि कल रात का या फिर परसों के दिन पहना हुआ शर्ट और पैंट रखा हुआ है, उसे ही हमने पहन लिया तो वो क्लीन कपड़े नहीं होंगे, उसमें से बदबू आएगी पसीने की, उसमें बहुत सारे जर्म्स हो गए और जो हमारे हेल्थ को खराब कर सकते हैं, ओके। वी मस्ट चेंज अवर स्कूल यूनिफॉर्म ऑन रीचिंग होम, जैसे ही हम घर पहुंचते हैं हमें हमारे स्कूल यूनिफॉर्म निकाल कर धूप में सुखा देना चाहिए, या हैंगर में लटका कर कहीं और फैन के नीचे या कहीं और रख देना चाहिए, जहाँ पर उसके अंदर की जो डस्ट और जर्म्स है वो दूसरे धुले हुए कपड़ों पे ना चढ़ सके, ओके। द कंडीशन और प्रैक्टिस दैट हेल्प टू मेंटेन हेल्थ आर कॉल्ड हाइजीन, ऐसी परिस्थिति जो हमें हमेशा प्रैक्टिस करने से मदद मिलती है, कंडीशन और प्रैक्टिस, ऐसी परिस्थिति जो हमें अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए मदद करती है, उसे क्या कहा जाता है? हाइजीन। हाईलाइट कीजिए इस सेंटेंस को, द कंडीशन और प्रैक्टिस दैट हेल्प टू मेंटेन हेल्थ आर कॉल्ड हाइजीन, ओके ओके। देन आफ्टर क्लास I give you a homework sheet and you have to solve homework in the fair copy and it is compulsory. See you soon. Bye-bye.